Assalamu alaikum and welcome to Radio Sabka Saath. This is Anum Tariq and you're listening to Weekly Dose. Across the world, wherever you are, you can join us and share your thoughts with us. हमारे शो में यूजुअली ट्रिकी क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बुक रिव्यूज होते हैं. आज इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं है. आज मैं आपको बताऊंगी कि फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं. और ट्रिकी क्वेश्चन तो है ही. तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के शो के ट्रिकी क्वेश्चन पर. व्हाट कैन वन कैच दैट इज नॉट थ्रोन. वो क्या है जो कोई कैच कर सकता है लेकिन वो थ्रो नहीं किया जाता. आप इस क्वेश्चन का आंसर सोचें और तब तक हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं. इसका आंसर आप जान सकेंगे हमारे शो के एंड में. तो सुनते रहिए हमारा शो वीकली डोज. मैं हूं अनम तारिक. तो आगे बढ़ते हैं अपने शो में और बात करते हैं कि हम किस तरह से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, क्योंकि आज की हमारी बुक का नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम. इस बुक के ऑथर हैं ग्रांट सबिटियर और ये पब्लिश हुई थी 2019 में. ये सेल्फ हेल्प बुक है, बिजनेस बुक है और इससे हम सीखेंगे कि किस तरह से हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं. है ना इंटरेस्टिंग? सो कीप कनेक्टेड. ऑलराइट लिसनर्स, ऑथर ग्रांट ने एक बहुत ही अच्छे कॉलेज से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी और बहुत ही अच्छे मार्क्स लाए थे और वो 3 साल से एक बहुत ही अच्छी जॉब कर रहे थे. इन शॉर्ट, वो हर ऐसी चीज कर रहे थे जिसे सोसाइटी अच्छा मानती है. ये सब करने के बावजूद वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे. जब वो 24 इयर्स के हुए तो उनकी जॉब छूट गई, वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे और अपने पेरेंट्स के साथ रहने लग गए. यहाँ ये इतनी बड़ी बात नहीं समझी जाती, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में बच्चे 18 इयर्स के बाद पेरेंट्स के साथ नहीं रहते. ऑथर के लिए ये बहुत ही शेमफुल था और उनके पेरेंट्स भी इनडायरेक्टली उनसे जाने के लिए पूछते रहते थे. और उनकी कंडीशन ये थी कि उनके सारे अकाउंट्स के पैसे मिलाकर भी उनके पास $2 बचे थे. $2 अपनी पूरी लाइफ चलाने के लिए, जो कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था. उसके बाद उन्होंने कैलकुलेट किया और नोटिस किया कि उन्होंने 4,700 आवर्स ट्रेड किए थे अपनी जिंदगी में पैसे कमाने में, और इतना टाइम स्पेंड करने के बाद जो आउटकम मिला था वो था $2, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था. इस पॉइंट पे उन्होंने सोचा कि अब बस बहुत हुआ, अब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन के रहेंगे, वो भी 30 इयर्स के होने से पहले पहले. उन्होंने कैलकुलेट किया तो उनको ये पता चला कि उन्हें $1.25 million अर्न करने होंगे अगर उन्हें अपना ड्रीम पूरा करना है तो. इसीलिए उन्होंने इसी पे काम करना शुरू कर दिया. उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़ी, गाइड्स पढ़े बहुत सारे कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं. इसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया कि वो जॉब करेंगे, साथ ही साथ साइड हसल के लिए 2 new companies लॉन्च करेंगे जिससे वो पैसे कमाएंगे और इन्वेस्ट करेंगे. ये था उनका मोटा मोटा प्लान. फिर उन्होंने एक्शन लिया और ये सब किया. ये सब करना बिल्कुल भी आसान नहीं था. वो कई बार फेल हुए, बहुत सारी परेशानियां झेली, बट जैसे तैसे करके उन्होंने अपना ड्रीम पूरा किया और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गए. आज इस शो में मैं उनकी ही बुक फाइनेंशियल फ्रीडम से आपको कुछ सीक्रेट फॉर्मूलास बताऊंगी जिससे उन्होंने अपने ड्रीम को पूरा किया, ताकि आप भी अपनी लाइफ में उनकी तरह फाइनेंशियली फ्री हो जाओ. ऑथर ने अपने ड्रीम को अचीव करते करते ये डिस्कवर किया कि किसी भी इंसान को अगर फाइनेंशियली फ्री होना है तो इन 7 stages से गुजरना होगा. फर्स्ट स्टेप है क्लैरिटी. जब आप फिगर आउट करते हो कि आप कहाँ हो राइट नाउ और आपको कहाँ तक पहुँचना है, इसे कहते हैं क्लैरिटी. सेकेंड है सेल्फ सफिशियंट स्टेज. जब आप किसी की भी हेल्प के बगैर अपने मंथली एक्सपेंडिचर्स संभाल लेते हो तो वो होता है सेल्फ सफिशियंट स्टेज. थर्ड है ब्रीदिंग रूम. ये स्टेज जब आती है तो आपको अपने मंथली एक्सपेंडिचर्स के लिए अपनी सैलरी का वेट नहीं करना पड़ता. फोर्थ है स्टेबिलिटी. जब ये स्टेज आती है तब आप अपने 6 months के एक्सपेंडिचर्स को मैनेज कर सकते हो, यानी कि 6 months तक के एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने की पैसे आपके पास होते हैं और आपके ऊपर कोई बड़ा कर्जा भी नहीं होता. फिफ्थ होता है फ्लेक्सिबिलिटी.
जब आप अपने 2 years जितने expenses को invest कर पाते हो और time आने पर उसको use भी कर सकते हो। Sixth होता है financial independence। ये stage तब आती है जब आपके पास इतने पैसे होते हैं कि आप कभी भी काम करना छोड़ सकते हो और अपनी passive income से अपनी life को spend कर सकते हो। Last seventh stage है abundance of wealth stage। ये स्टेज तब आता है जब आपको पैसे के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता और आपकी आने वाली जनरेशन को भी पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ता, इतने पैसे होते हैं। अब आपके माइंड्स में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये हम कैसे कर सकते हैं, इन स्टेजेस को पार कैसे कर सकते हैं जिससे आप फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर सको। ऑथर ने इन स्टेजेस से गुजर कर अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया। जानना चाहते हैं कि कैसे कर सकते हैं तो सुनते रहें मेरा शो। आप भी ये सारे स्टेजेस पार करके फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। इसके लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। नंबर 1, कैलकुलेट हाउ मच मनी यू नीड। आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि आपको कितने पैसे चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। इसके लिए हम ऑथर की एग्जांपल देखते हैं। ऑथर जब 30 साल के थे तो उन्होंने $1 million सेव कर लिए थे। अब $1 million वैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन पूरी लाइफ गुजारने के लिए बहुत ज्यादा नहीं होते, इसीलिए उन्होंने इन्वेस्ट किया $1 million को स्टॉक्स में जिसमें उन्हें 7% रिटर्न मिल रहा था, यानी कि उन्हें हर साल $70,000 का प्रॉफिट मिल रहा था उनके $1 million पे। वैसे तो हर मंथ वो $70,000 से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते थे लेकिन उन्होंने क्या किया कि 4% अपनी जरूरतों को पूरा करने में लगाया, यानी कि $40,000 उन्होंने इस्तेमाल किए और $30,000 उस 1 million में ऐड करते गए हर मंथ इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे होता ये था कि कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से उनके प्रॉफिट हमेशा बढ़ते रहते थे। तो जो वो अपनी जरूरतों के लिए यूज कर रहे थे 4%, उसमें भी इजाफा होता रहता था, है ना मजे की बात। जैसा कि ऑथर कहते हैं कि हमें जीने के लिए 4% पे ही फोकस करना चाहिए और 1/25th पार्ट पे जिंदगी गुजारनी चाहिए और 3% को रीइन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसे समझते हुए इस फॉर्मूला के हिसाब से आपको कितना पैसा चाहिए ये आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है? योर एनुअल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय 25। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एनुअल एक्सपेंसेस 4 lakh rupees हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करें 25 से तो ये बना 1 crore। तो 1 crore आपका गोल होना चाहिए जिसमें 4% के हिसाब से आपके एक्सपेंसेस होंगे। नंबर 2, कैलकुलेट योर नेटवर्थ। आप ये कैलकुलेट करो कि रिटायर होने के बाद आपको कितने पैसे चाहिए होंगे। इसके लिए आपको अपनी नेटवर्थ पता होनी चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला है एसेट माइनस लाइबिलिटी। एसेट वो है जिसको बेचने से आपको पैसे मिलेंगे, यानी कि कार, घर, इस तरह की चीजें, और लाइबिलिटी वो है जिससे आपके अकाउंट से पैसे जाएंगे, यानी कि आपका खर्चा। इसके लिए आप एक टेबल बनाओ और एक साइड पे अपने सारे एसेट्स लिखो और दूसरी साइड पे अपनी लाइबिलिटीज। शुरू में आपको ये बहुत मुश्किल लगेगा और स्ट्रेसफुल भी, क्योंकि हो सकता है आपके एसेट्स कम हो और लाइबिलिटीज ज्यादा, लेकिन इससे आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को समझ सकोगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए कितना चाहिए, लेट सपोज 1 crore, और हम देखेंगे कि अभी हमने कितने इन्वेस्टमेंट की हुई है। फॉर एग्जांपल 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है तो 1 करोड़ में से 10 लाख को माइनस कर देंगे। अब हमारा गोल है 90 lakh। इससे हमें ये पता चलेगा कि हम अपने गोल से कितना दूर हैं या कितना करीब। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी नेटवर्थ रेगुलरली कैलकुलेट करते रहना चाहिए। कैलकुलेट करते रहने से आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और पैसे सेव करना और अर्न करने की समझ भी आती जाएगी। थर्ड पॉइंट, नो द वैल्यू ऑफ योर टाइम। सपोज अगर कोई 90 साल का बंदा आपको $100 million की ऑफर करे और बदले में आपसे कहे कि आप उसकी जगह में 90 साल के हो जाओ और वो आपकी एज का हो जाए, तो क्या आप ऐसा करोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टाइम की वैल्यू मनी से बहुत ही ज़्यादा होती है। आप जितना भी पैसा कमा लो लेकिन आप गया वक्त हासिल नहीं कर सकते दोबारा।
टाइम वंस लॉस्ट इज नेवर रिगेन। अपने टाइम की एक्चुअल वैल्यू को जानने के लिए अपने आवर्स और सैलरी को आपस में डिवाइड करो, इससे आपको आपके टाइम की रियल वैल्यू पता चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ड्रीम कार खरीदनी है जिसकी कॉस्ट 30 लाख रुपीज है, तो आप कैलकुलेट करो कि आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा उस ड्रीम कार को खरीदने के लिए। और अगर आप वो 30 लाख की गाड़ी खरीदने के बजाय उसको इन्वेस्ट करोगे तो कुछ सालों में वो मल्टीप्लाई होते होते कितने सारे पैसे बन जाएंगे। तो आप सोचो कि कितने 1000 आवर्स की आपकी मेहनत को क्या ये 30 लाख की कार डिजर्व करती है या करोड़ों रुपए। फोर्थ पॉइंट है स्पेंड केयरफुली, यानी कि स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स को मॉनिटर करो। हम इन तीन चीज़ों में अपने पैसे लगाते हैं जिससे पता चलता है कि हम फाइनेंशियली फ्री होंगे या नहीं, और वो ये तीन चीज़ें हैं, फर्स्ट हाउसिंग, सेकंड ट्रैवलिंग, थर्ड फूड। मैक्सिमम लोग घर जल्दी खरीदने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से उसका लोन कई सालों तक चुकाते रह जाते हैं। घर आप तब खरीदो जब आपके पास इतने पैसे हों कि आप घर खरीद सको बगैर किसी कर्ज के लिए। इसी तरह से हम ट्रैवलिंग और फूड में भी बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, हमें इतना ही स्पेंड करना चाहिए जितना ज़रूरत हो। ऑथर कहते हैं कि किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखो। फर्स्ट, आपको अपनी लाइफ के कितने घंटे इसके लिए ट्रेड ऑफ करने पड़ेंगे। सेकंड, आपको इसकी मेंटेनेंस में फ्यूचर में कितने पैसे लगाने पड़ेंगे। थर्ड, क्या ये आपके लिए सच में यूजफुल है। फोर्थ, क्या इसको खरीदने से आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस फील करोगे या फिर शॉर्ट टर्म प्लेजर है और कुछ टाइम बाद भूल जाओगे। अब बात करते हैं हम फिफ्थ स्टेज की, यानी कि फिफ्थ पॉइंट, अर्न मोर बाय डूइंग साइड हसल्स। सेविंग्स में हमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम अपनी अर्निंग से ज़्यादा सेव नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपनी इनकम को भी इंक्रीज करते रहना चाहिए। हम जहाँ जॉब कर रहे हैं अपने बॉस को इंक्रीमेंट के लिए कह सकते हैं अगर हम डिज़र्व करते हैं, या और स्किल्स डेवलप करके एक और अच्छी बेहतर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। और उसके साथ साथ साइड हसल्स यानी कि साइड बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहिए। आप अपने जॉब के टाइम के बाद जो आपके पास टाइम बचता है अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को बेचो। इसके लिए आप एनालाइज करो अपने स्किल्स और पैशन को कि किस काम के करने से आपको ज़्यादा मज़ा आता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर के एक फ्रेंड हैं जिम, जिनको राइटिंग का बहुत शौक है। वैसे तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो उसने एक फाइनेंस ब्लॉग स्टार्ट किया और उसको इतना ग्रो किया कि उसने अपनी इंजीनियरिंग की जॉब को क्विट कर दिया, और बाद में उनका ब्लॉग इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि $3 मिलियन में उसको उन्होंने बेच दिया। उसने इतने पैसे कमा लिए कि वो अपने 34 ईयर के एज में ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन गया। इस इंटरनेट के दौर में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं अगर हम पैसे कमाने की ठान लें तो। स्टेप नंबर 6, इन्वेस्ट इंटेलिजेंटली। वॉरेन बफेट कहते हैं कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। यानी कि आप जितना भी हार्ड वर्क करके कमा लो और उस पैसे को सेव भी कर लो, लेकिन आप फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते जब तक आप उसे इन्वेस्ट ना करो। इन्वेस्टिंग ही सबसे बड़ा सीक्रेट है जो रिच लोग अमीर होने और फाइनेंशियल फ्रीडम को गेन करने के लिए करते हैं। स्टेप नंबर 7, इंजॉय रिटायरमेंट। इन सब स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप ऑथर की तरह फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, और आप ये 5-10 साल में भी कर सकते हो और रिटायरमेंट ले सकते हो। लेकिन याद रहे, रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी ना करो, क्योंकि जिंदगी का असल मजा ग्रोथ में है। जब तक आप कुछ ना कुछ कर सकते हो करते रहो। ये बातें मैंने आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बुक से बताई, जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी लाइफ में अचीव करनी है तो। लाइक करो मेरे शो को अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो। कमेंट करके बताओ कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में क्या सोचते हो। शेयर करो उन लोगों के साथ जो फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं। जाने से पहले अपने क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी, जो हमारा था, व्हाट कैन वन कैच दैट इज नॉट थ्रोन।
इसका आंसर है अ कोल्ड. सो दिस वॉज द आंसर ऑफ माई टूडेज शो. मिलते हैं नेक्स्ट शो में. दिस इज मी अनम तारिक साइनिंग आउट. अल्लाह हाफिज़.